मनीषा रानी की एक जो है कोलैबोरेशन आई ठगेश के साथ। जब ठगेश के साथ मनीषा रानी की कोलैबोरेशन एक रील आई जो कि फन रील थी, काफी फनी थी, तो उसमें जो है ना मनीषा रानी को काफी जो है वो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। एक्चुअली मनीषा के लिए ये जो अब रोज की बात हो गई है, रोज की बेसिस पे मनीषा को जो ट्रोल किया जाता है। अब क्या है ना कि लोग मनीषा को क्रिंज के नाम से बुला रहे हैं या ठगेश को क्रिंज के नाम से बुला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फैंडम देख के जो है ना किसका कितना बड़ा फैंडम है वो सपोर्ट करते हैं। दे डोंट हैव देयर ओपिनियन, आई एम टेलिंग यू, दे डोंट हैव देयर ओपिनियन, दे डोंट हैव देयर यू नो लाइक थॉट्स। इनकी कोई थॉट नहीं होती, इनके कोई, जैसे कहते हैं ना, आप ये कह सकते हो कि इनके कोई रूल्स नहीं होते लाइफ के, ये किसी भी, इनके कोई स्टैंडर्ड नहीं होते लाइफ के, ये कोई स्टैंडर्ड, कोई रूल, कोई, जैसे कहते हैं ना, सही गलत राइट रॉन्ग में डिफरेंस रखना, ये व्यूज और इंगेजमेंट के लिए जो है ना इस तरह की बातें करते हैं। तो मनीषा रानी को क्रिंज बोलने वाले लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मनीषा रानी को जो है वो उल्टे सीधे नामों से बुलाते हैं। ये लोग एल्विश की हर बात को जो है वो हमेशा जस्टिफाई करते हैं। देखो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एल्विश, बट देखो यहाँ पे ना सही बात को समझने के लिए इस जगह पे आपको जो है ना वो एक ब्रेन लेकर घूमना पड़ता है। बट क्या है, अनफॉर्चुनेटली इसके बगैर ही लोग घूम रहे हैं और जो है ना वो बात कर रहे होते हैं। अब क्या है कि देखो यार, आप मनीषा को क्रिंज बोलते हो, मनीषा की नीश पे बात करते हो, तो आपको बताऊंगी कि मनीषा की नीश जो भी है एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेन करती है। मनीषा रानी जैसा करेक्टर जो आपको मूवीज में देखने को मिलता है, आप बड़ा हंसते हो, बड़ा एंजॉय करते हो, आपको बड़ा प्यारा लगता है वो करेक्टर। और मनीषा रानी जो है वो जो है हेल्दी फ्लोटिंग वगैरह कर रही होती है, इन चीजों को आप मूवीज में देख के अप्रिशिएट करते हो, आपको ये करेक्टर बड़ा लवली लगता है। और इसके साथ साथ जब यही चीजें एक लड़का कर रहा होता है, तो आप उसको जो कहते हैं उसका जलवा है, उसका सिस्टम है, वो भाई है, भाई वो भाई है, वो कर सकता है। लेकिन लेकिन लड़की करती है तो प्रॉब्लम होती है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब वही चीज एल्विश करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मनीषा करती है तो प्रॉब्लम है। अब एल्विश की शनाज गिल इज माय फेवरेट बाय द वे। आई जस्ट लव द गर्ल्स हु आर नेचुरल एंड यू नो लाइक जो बिल्कुल ओपिनियनेटेड हो, स्ट्रॉन्ग हैंडेड हो, जो बिल्कुल बिंदास हो। तो अभी एल्विश की शनाज के साथ भी एक रील आई है, तो उसपे जो है ना फैंस की जो आपस में जो है वो चल रहा है कि भाई अब ये भी तो, इसने भी तो एक फन रील बनाई है, इसको आप क्यों नहीं कुछ कह रहे। जिसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात है कि एल्विश ने शनाज के साथ एक फन रील बनाई है। उस रील पे मैं ब्रेनलेस लोगों की तरह ये नहीं बोलूंगी वो क्रिंज है एंड ऑल, मैं जजमेंटल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगी, मैं रियालिटी पे बात करूंगी, मैं फैक्ट पे बात करूंगी, मैं जो सही है वो बात करूंगी। तो बात यहाँ पे ये है कि दोनों कॉन्टेंट क्रिएटर्स है, दोनों ने कॉन्टेंट जनरेट किया है, दोनों ने फनी रील्स बनाई है। लेकिन एक को आप क्रिंज कह लो बिकॉज का फैंडम थोड़ा छोटा है, एक को आप जो है वो अप्रिशिएट करो क्योंकि उसका फैंडम बड़ा है, तो वो चीज गलत है। और जो लोग मनीषा को हेट देते हैं ऑन डेली बेसिस, वो लोग बहुत ही वीक है। जो एक लड़की को, जो एक स्मॉल टाउन से आई हुई एक लड़की है, जो अपने बलबूते पे सक्सेस हासिल करी, उसकी सक्सेस उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, उसका हंसना भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। एनीवेज, मनीषा रानी और एल्विश के फैंस में आपस में वॉर चलती रहती है। अब बात करेंगे यहाँ पे, एल्विश ने एक जगह इंटरव्यू बोला है कि नहीं भाई, मनीषा जो है मेरी फ्रेंड है, राइट, उसने बोला मेरी फ्रेंड है। अब उसने कोई हेट नहीं है, लेकिन फैंस हेट देंगे, फैंस मॉर्फिंग भी करेंगे, फैंस हेट भी देंगे, फैंस करेक्टर पे बात करेंगे। अब इनको रोकेगा कौन? इनको रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ वो होगा जो जिसके फैंस हैं। अगर आप किसी को फ्रेंड बोलते हो तो आपको इनको रोकना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अदरवाइज जस्ट टू यू नो लाइक गेट अवे फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, मुझसे मत पूछो, हाँ यार शी इज माई फ्रेंड, वो भी मेरे फ्रेंड है, तो ये नहीं चलता। आपको स्टैंड लेना होता है, आपको बोलना होता है नहीं यार, वो मेरी दोस्त है, आप हेट मत दो, दैट्स इट। ये एक सिंपल से वर्ड होता है, वो मेरी दोस्त है, उसको हेट मत दो, दैट्स इट। बट ये पता नहीं कब होगा। खैर, बात करेंगे एल्विश और शनाज की रील की, तो बहुत ही दोनों जबरदस्त लग रहे हैं, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और अच्छी रील है। जिस तरह से मनीषा और ठगेश की एक फनी रील थी, बहुत ही अच्छी रील थी, दोनों ही अपनी अपनी जगह, दोनों रील्स जो है वो सिंपली सिंपली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू सो मच, बाय।